सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है सारे राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ को। कहा गया है कि वो सब बताएंगे 6 हफ्ते के अंदर कि वाटर क्वालिटी का क्या स्टेटस है, वाटर क्वालिटी कैसी है जो सप्लाई की जा रही है, और ये भी बताएंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा है राज्यों में जो अन्य शहरों में, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली का इशू नहीं है, NCR का इशू नहीं है। तो सारे राज्य को बोला गया कि पानी और जल के बारे में वो डिटेल देंगे, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट इस केस में अगली सुनवाई करेंगे। जहाँ तक दिल्ली और NCR का सवाल है, जहाँ किलर स्मॉग की बात की जाती है और प्रदूषण लेवल हमेशा काफ़ी हाई रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने आज जमकर फटकार लगाई। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की सरकारें के जो चीफ सेक्रेटरीज आए थे, उन सब की जमकर फटकार लगाई और कहा कि आप सब जो है फेल हो गए हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। दिल्ली जो है एकदम नरक से भी ख़राब है, इट्स वर्स देन हिल, जो है उन्होंने कहा जस्टिस अरुण मिश्रा ने, और कहा कि आप धीरे धीरे लोगों को क्यों मार रहे हैं पोल्यूशन की वजह से, क्यों ना विस्फोटक लेके एक बार में ही सबको ख़त्म कर दें, वो और बेटर होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब जो है एकदम सख्ती से काम लिया जाएगा। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट इस केस को देख रही है, उन्होंने कहा है कि केंद्र और दिल्ली सरकार जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं, मिल के काम करें, बैठ के काम करें, 10 दिन के अंदर कोई सोल्यूशन निकालें, चाहे वो टावर्स की बात की जा रही है, पोल्यूशन स्मॉग टावर्स जो स्मॉग साफ करते हैं उनकी बात की जा रही है, या जो भी सोल्यूशंस हैं 10 दिन के अंदर सोल्यूशन निकालें। और एक बार फिर जो दिल्ली के आसपास जो सटे हुए हैं राज्य हैं उनको भी वार्निंग दी गई है कि अब सख्ती से जो है सुप्रीम कोर्ट पेश आएगी। वार्निंग दे चुकी है कोर्ट पहले भी, लेकिन आज एक बार फिर चीफ सेक्रेटरीज को बुलाया था और ये उन्होंने एक बार फिर दोहराया है। जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली के साथ साथ अन्य राज्य को पानी और जल पोल्यूशन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने जैसे कहा कि नोटिस जारी किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से दायरा जो है पोल्यूशन का वो बढ़ा दिया है, ना केवल दिल्ली और उसके आसपास एरिया बल्कि पूरे देश में जो स्थिति है उसे भी गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट देख रही है। सुप्रीम कोर्ट से सिद्धार्थ पांडे, गो न्यूज़।